स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। चैप्टर्स की समरी बता रहे हैं हम, जिसकी सहायता से आप आराम से आंसर्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये समरी भी समझ में आ जाती तो आपको मेन जो भाव है चैप्टर का वो समझ में आ जाएगा। तो ऐसा ही एक चैप्टर है हमारा, द हेक ड्राइवर। ये जो कहानी है ये एक नया नया बंदा LLB करता है और किस तरीके से वो एक असिस्टेंट के रूप में कहीं पे एक बड़ी फर्म में जॉब लगता है। अब जब बड़ी फर्म में कोई असिस्टेंट नया आता है तो सारे काम उसको दिए जाते हैं। तो सबसे जो डेंजरस और सबसे घटिया काम जो था ना कि भाई बुला के लाओ लोगों को, जो सबूत के रूप में, विटनेस के रूप में, या फिर कोई किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं उस केस से, तो ऐसे इसको काम मिलता है। और ये किस तरीके से जाता है और किस तरीके से एक लाफिंग स्टॉक बन जाता है, क्योंकि जिसको बुलाने जाता है वही उसी को बुला के लाना रहता है। मतलब जिसको बुलाने जाता है ना वही बंदा इसकी मदद करता है उसी को ढूंढने में, मतलब इसको लाफिंग स्टॉक बनाया जाता है किस तरीके से। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत प्यारी लिखी गई है, आराम से पढ़ते हैं समझते हैं। नरेटर जो है इस कहानी का जो वर्णन करता है वो कंप्लीट करता है अपनी ग्रेजुएशन लॉ की, यानी LLB कर लेता है और एक बड़ी बिग फर्म में एज अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की नौकरी पा लेता है। और ही वॉज गिवन द डर्टी एंड डेंजरस जॉब ऑफ सर्विंग समन। उसको समन यानी होता है नोटिस भेजना, बुलावा। तो उसको क्या काम दिया जाता है कि भाई तुम्हें ये काम दिया जाता है। गंदा काम क्यों था, क्योंकि देखो बच्चों और जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि किसी गवाह को लेके आना है या किसी केस से जुड़े हुए लोगों को बुला के लाना है, तो गंदा इसलिए था क्योंकि यार बार बार इधर से उधर फिरना रहता था, परेशान होना रहता था, एक परेशान कर देने वाला काम था ये। तो इसलिए इसको ये गंदा और डेंजरस काम लग रहा था। डेंजरस इसलिए कि मान लो कभी किसी गवाह को बुला जाए और अगर वो इसको पीट डाले तो ऐसा, इसलिए ये काम इसके लिए बनता है। तो इसी कामों में, इसी काम के चक्कर में इसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहाँ जाने की, एक गांव जाने की, जहां पर वो एक समन लेके जाता है। समन यानी किसी को नोटिस बोर्ड, किसी को लेने जाता है। और जो कि लेने जाता है किसको, ओलिवर लुटकिंस नाम के बंदे को, अ हेल्पफुल। अब ये ओलिवर लुटकिंस नाम के बंदे को जैसे ही उस स्टेशन से उतरता है जाने के, मतलब उसको लाने के लिए, तो एक हेल्पफुल ड्राइवर इसकी मदद करता है स्टेशन के ऊपर, ऑफर करता है इसको कि मैं तेरे को ले चलूंगा अपनी गाड़ी में, कहां पर, लुटकिंस के पास में, और इसके लिए वो चार्ज करेगा उसको जो भी किराया बनता है उसके हिसाब से। तो ड्राइवर जो है उसे टैक्स हिम यानी उसे लेके जाता है, हमारे वर्णन करता है वो कहां कहां लेके जाता है, सारी जगह पर जहां जहां वेयर लुटकिंस कुड बी फाउंड, मिल सकता था, लेकिन वो मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि भाई वो, अब मैं आपको क्या बताऊं, पहले बता देता हूं कि क्योंकि जो बंदा उसकी गाड़ी में उसको घुमा रहा है वो खुद ओलिवर लुटकिंस है, तो वो कहां से मिलेगा ना। He shows him the village, पूरा गांव दिखाता है उसको और बताता है गांव के बारे में, कंट्री लाइफ के बारे में। कंट्री लाइफ नहीं होता है, देहाती लाइफ। आप लोगों को पता होगा कंट्री में देश नहीं होता, मतलब होता है बट कंट्री में देहाती इलाका भी होता है, ग्रामीण इलाका, ठीक है ना। दे डोंट, उन्हें नहीं मिलता है लुटकिंस, है ना, बट द लॉयर इज वेरी हैप्पी, लेकिन लॉयर बहुत खुश होता है, क्योंकि लॉयर जो था वो एक सिटी बॉय था। और सिटी बॉय को क्या है कि कंट्री की, मतलब देहाती इलाके की हरियाली वगैरह पसंद नहीं, मतलब उसको पता नहीं था, पसंद तो आई थी बट पता नहीं था, ठीक है ना। तो कंट्री लाइफ देखकर उसे बहुत खुश होता है कि भाई कितना मस्त मस्त इंसान है यहाँ पे, कितने हेल्पफुल व्यक्ति हैं। और आप लोगों को पता होगा ग्रामीण लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, है ना। दे विजिट लुटकिंस, वो लुटकिंस के घर जाता है, लुटकिंस के घर पे भी जाता है, उसकी मम्मी से मिलता है जो खतरनाक रहती है, जो उसे डरा देती है, है ना। जो लॉयर है वो एंड, मतलब वो अपनी कहानी को कहीं तक खत्म करता है, वापस गांव, मतलब गांव से शहर आना रहता है उस ट्रेन में बैठ के। तो लॉयर जो है उसको पैसा देता है, 6 आवर्स के पैसे देता है, और एक ड्राइवर को देकर चला जाता है कि भाई देख लेंगे, मिला तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब जैसे ही वो गांव से शहर जाता है तो उसका जो मुख्य व्यक्ति रहता है यानी उसका बॉस, वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है कि वो फेलियर हो गया, कि लुटकिंस नहीं मिला तुझे, ये कौन सी बात है, लुटकिंस तो बहुत पॉपुलर व्यक्ति था, लुटकिंस क्यों नहीं मिला तुझे। तो जो चीफ था फिर उसको अगले दिन वापस भेजता है उसके लॉयर को, और है ना। और अगले दिन जो लॉयर था वो उसके साथ में एक बंदा भी जाता है जो लुटकिंस को जानता है। तो लुटकिंस को जब जानता है तो ऑब्वियसली लुटकिंस को जाना पहचाना होगा वो। तो जैसे ही लॉयर, जैसे उस गांव में पहुंचता है लॉयर, तो लॉयर उसे दिखाता है कि ये जो बंदा है गाड़ी वाला, ये बहुत अच्छा बंदा है, इसने मेरी कल बहुत मदद की थी, बहुत ज्यादा मदद की थी, है ना। तो अब क्या होता है भाई, जैसे उसका साथी उसको बोलता है कि भाया इसने कैसे मदद की होगी, ये बंदा तो खुद क्या है, ओलिवर लुटकिंस है। तो इस तरीके से पोपट हो जाता है बेचारे अपने नरेटर का, अपने लॉयर का, है ना। जो लॉयर था वो इसकी वजह से बहुत बुरा महसूस करता है, दुखी महसूस करता है, जब उसे लगता है कि भाई वो एक लाफिंग स्टॉक बन चुका है, किसके लिए, एक ओलिवर लुटकिंस के लिए। तो रिपीट करना इन वर्ड्स को, इन लेटर्स को आप आराम से देखना, और सेंटेंस को सॉरी, और कोशिश करना है, इससे ही आप बहुत सारे आंसर्स बना लेंगे इसके क्वेश्चंस के, आपको बहुत समझ में आएगा, बहुत ही ज्यादा समझ में आएगा ये चैप्टर। देखो भाई मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं फुल आउट ऑफ फुल की गारंटी नहीं लेता,
अगर आप कम मेहनत करोगे, मैं अभी भी आपको सलाह दूंगा कि आप पूरा चैप्टर पढ़ें अगर आपके पास टाइम है, और आज अभी टाइम है हमारे पास। ये केवल रिवाइजिंग पॉइंट्स हैं, ये आपको क्या करेंगे, रिविजन में हेल्प करेंगे बहुत ज्यादा। बट इनसे आप हाँ 100 नहीं बट अबोव 60, अबोव 70, अबोव 80 नंबर मार्क्स ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आई होगी, अगर नहीं आई तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी सॉल्यूशन दूंगा। और अगर लाइक करते हो वीडियो को तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो भी चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, लाल बटन को दबाओ और जुड़ो हमारी इस फैमिली से, घंटा भी दबाओ। जय हिंद, जय भारत।